बिनते दिल मिस्रिया में, उसका मतलब है, बहुत ही उस पर बड़ा डिस्कशन हुआ, लोगों ने कुछ बातें की। उसका मतलब था कि आज भी ये माना जाता है कि मिस्र यानी इजिप्ट, आज उसका नाम इजिप्ट है और पहले वो मिस्र हुआ करता था। तो जो मिस्र की खूबसूरती इजिप्ट की, वो अगर आप देखें, आज आप गूगल करें तो वहाँ की जो फीमेल्स होती हैं वो बहुत ही गर्ल्स होती हैं, वो बहुत ही खूबसूरत होती है और दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरती वहाँ की मानी जाती है। और अगर हम ये डिसाइड करें कि खूबसूरती का एक जिस्म है, एक खूबसूरती एक पूरी बॉडी है, तो हमारी जैसे हमारी पूरी बॉडी में जो सबसे खूबसूरत पार्ट होता है वो हार्ट होता है, और बिनते दिल का मतलब है दिल की बेटी। तो वो ये कह रहा है कि जो इजिप्ट की खूबसूरती होती है, मैं उसके भी हार्ट की यानी उसके भी दिल की बेटी हूँ, तो मुझसे खूबसूरत इस दुनिया में कोई है ही नहीं। तो ये लड़कियों वड़कियों के साथ जो आप जा रहे हैं ये बिल्कुल बकवास है, आप मेरी तरफ ध्यान दें और इनको छोड़ें। दोस्तों आदाब, मैं हूँ AM तुराज और आप देख रहे हैं मैशेबल तोड़फोड़। देखिए, बिनते दिल का जब हमारा डिस्कशन जो है चल रहा था गाने पे, हम लोग बाकी लोग गानों पे काम कर रहे थे, संजय जी ने बोला था कि एक इंसान है जो गे है, उसको लाया गया है और उसके चाचा उसको वो गिफ्ट करते हैं कि ये आपकी खिदमत करेगा। तो अब वो आता है, फिर वो उसको खिलजी से प्यार हो जाता है, वो उससे प्यार करने लगता है और वो बहुत प्यार करता है अपनी, सोचो उसमें दिखाया भी है पिक्चर में कि वो अपनी जान, उसके लिए अपनी जान दे भी सकता है और किसी की जान ले भी सकता है। तो वो करेक्टर अफगान से लाया गया था, तो उसमें ये था कि जब हमारी बात हुई कि वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से गाना होगा कि वो प्यार करता है तो वो क्या कहेगा, तो मैंने कहा ये वहाँ से अफगान से आया है और तो हम वहाँ की ज़बान अब अफगानी ज़बान नहीं रख सकते, तो हम कुछ ऐसी ज़बान जो लिरिकली भी बहुत स्मूथ हो हम वो यूज़ कर सकते हैं ताकि वो उसकी फीलिंग जो है वो बनी रहे उस करेक्टर की। तो उनको वो बात बहुत अच्छी लगी। मैंने पहले मुखड़ा लिखा, बहुत मुश्किल ज़बान में गाना था, इसका मुखड़ा था कि पेश कुल्लू शबाब खिदमत आली जनाब, आतिश कदा अदाओं से जल उठेगा आपके दीदाए तर का हिजाब। वो ये बोल रहा है कि ये जितना भी मेरा टोटल यहाँ से सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक, जितना भी मेरा शबाब यानी खूबसूरती ब्यूटी और मैं जो भी हूँ, वो जो है वो पूरा तुम पे, तुम्हारी खिदमत में वो पूरा पेश है, आप जो चाहे कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी लाइन आती है कि आतिश कदा अदाओं से जल उठेगा आपके दीदाए तर का हिजाब, यानी मेरी जो खूबसूरती है उसमें इतनी आग है, आतिश मीन्स आग, उसमें इतनी आग है कि अगर आप गौर से देखें तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, आपकी पलकों का जो पर्दा है वो जल कर राख हो जाएगा, मैं इतना कमाल हूँ। मैकश लबों पे आने लगी हैं प्यासी कुर्बतें, यानी प्यासे होंठों पे जो प्यासी कुर्बतें, कुर्बतें मीन्स करीबनेस, वो आने लगा है, हैरत ज़दा ठिकाने लगी हैं सारी फुरकतें, यानी जितनी भी तन्हाइयां थी आज तक जो मैंने अकेले काटी हैं वो सारी ठिकाने लग रही हैं, आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं। उसके बाद फिर गाना आगे बढ़ता है कि आरिज़ों पे मेरे लिख ज़रा रिफ़अते चाहतों का सिला, आरिज़ कहते हैं गालों को, तो मेरे गालों पे किस करके, और रिफ़अते चाहत कहते हैं चाहत की यानी मोहब्बत की हाइट, जैसे बिल्डिंगों में बिल्डिंग बुर्ज खलीफा सबसे बड़ी है तो उसकी हाइट, तो ऐसी कुछ मोहब्बत की भी कोई हाइट होती होगी, तो मेरे गालों पे किस करके मोहब्बत का जो रिज़ल्ट है वो जो हाइट है इश्क की उस पर लिख दो ताकि वो पूरी दुनिया में वो दिखे लगे कि इससे बड़ी मोहब्बत हो ही नहीं सकती। ये गाना संजय जी 3-4 दिन के बाद, चूँकि बहुत मुश्किल गाना था, और उन्होंने फिर मुझसे कहा कि तुराज़ ये गाना हम नहीं रखते क्योंकि ये बहुत मुश्किल गाना है और लोगों को समझ नहीं आएगा, क्योंकि जो तुमने मीनिंग्स बताए हैं वो बहुत बहुत मुश्किल हैं। तो मैंने उनकी बात से एग्री किया और मैंने कहा कि सर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये गाना ऑडियंस की समझ नहीं आएगा और सो कॉल्ड जो हमारे राइटर्स हैं उनको भी डिक्शनरी उठानी पड़ेगी इसके लिए, और मुश्किल चीज़ है क्योंकि अरबी फारसी और उर्दू में मिक्स गाना था। तो उसमें मैंने फिर यही कहा कि सर बस इस बार आप इसको, क्योंकि इसका साउंड बहुत अच्छा लग रहा है, गानों को सुनने में मीनिंग्स एक तरफ अगर हम रख दें कुछ देर के लिए, फिर मैंने एग्जाम्पल दिए कि और भी गाने हैं वो जी हाल मस्ती और वो सब, इस तरह के और भी बहुत गाने जिनके लिरिक्स नहीं पता है लेकिन एक साउंड बहुत अच्छा लगता है,
तो गाना एक साउंड का नाम है, वो कोई सिर्फ पोइट्री नहीं होती, उसमें एक साउंड होता है जो टोटलिटी में सिंगर की आवाज़ भी है और कंपोजिशन का भी एक अपना साउंड है और जो इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं उनका साउंड है, लिरिक्स का भी एक साउंड है। तो ये टोटलिटी में एक साउंड का नाम जो है वो गाना है। तो मैंने कहा सर ये साउंड बहुत अच्छा लग रहा है और आप इसको प्लीज़ रखिए। मैंने बहुत उनसे रिक्वेस्ट की और कन्वेंस किया और वो कन्वेंस थे, तभी उन्होंने वो गाना लिया था। लेकिन एक उनको थोड़ा सा ये डाउट था और ये उनको जो डाउट था वो बिल्कुल सही था। तो फिर हमारा इस पर ये हुआ और बोले किसी को समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा सर अगर कोई पूछेगा ख़ास आदमी आपसे फ़ोन करके तो आप मेरा नंबर दे दीजिए, मैं उसको मीनिंग समझा दूंगा। फिर यही हुआ कि अगर नहीं चला तो मैंने कहा सर फिर मैं हूँ और आप हैं, फिर जो चाहे आप सज़ा देना। तो फाइनली उन्होंने वो गाना लिया, वो उससे कन्वेंस हुए और उन्होंने वो गाना लिया और वो खुद भी बहुत कन्वेंस थे क्योंकि गाना बहुत अच्छा, कंपोजिशन इतने कमाल की उन्होंने बना दी थी और लिरिक्स भी ठीक ठाक हो गए थे, साउंड और अरिजीत सिंह ने गाया बहुत कमाल था। तो फिर ये ऑडियंस को बहुत अच्छा लगा और उनको इस गाने पे फिल्म फेयर मिला और नेशनल अवार्ड भी मिला उनको। तो मैं उसमें कामयाब रहा। चूंकि मैं शायर भी हूँ और गीतकार भी हूँ तो मैं एक शेर यहाँ पे जो आजकल मैं काफ़ी मुशायरों में पढ़ रहा हूँ और मेरा पसंदीदा शेर है कि लोगों को लगता है कि फिल्मी दुनिया बहुत ग्लैमरस है और यहाँ बहुत मज़े होते होंगे, लेकिन यहाँ का भी अपना एक दर्द है, अपनी एक तकलीफ़ है। तो उस तकलीफ़ को और उस पर्दे के पीछे की चीज़ों को मैंने बयान करने की कोशिश की है इसमें कि मेरी तकलीफ़ मेरा गम मेरा सदमा पता चलता, मेरी तकलीफ़ मेरा गम मेरा सदमा पता चलता, कोई तेरा बिछड़ता तो तुझे मेरा पता चलता।